वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपके लिए ओरियो की आइसक्रीम लेकर आई हूँ। वो भी हम सिर्फ दो चीज़ों से ही बनाएंगे। ये आइसक्रीम बहुत ही पसंद आती है बच्चों की, तो ये फेवरेट होती है। तो चलिए टेस्टी और यम्मी आइसक्रीम बनाना हम शुरू करें। दो पैकेट मैंने यहाँ पे ओरियो बिस्किट के लिए हैं। ये आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं। अब हमें ओरियो बिस्किट को तोड़ना है, तो पैकेट को हम बंद ही रखेंगे, बंद में ही हम इसको तोड़ेंगे। इस तरह का हमें एक बेलन लेना है और इस तरह जो है हमें इसको प्रेस करते हुए हमें इसको तोड़ना है। बिल्कुल हमें हल्के हाथों से तोड़ना है, ज्यादा बारीक हमें चूरा नहीं करना है। इस तरह देखिए हाथों से भी टूट जाता है, हमें इस तरह हल्का हल्का प्रेस करना है, तो इस तरह करने से भी आराम से टूट जाएगा। दोनों को मैंने अच्छे से तोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। अब इसको हमें कट करना है, तो कैंची की मदद से हम इसको कट करेंगे। ऊपर से हम जरा सा छोड़ते हुए इस तरह हमें कट करना है और एक कप में इसको हम रख देते हैं। इस तरह दूसरा पैकेट भी मैं इसको रख देती हूँ। दोनों को मैंने रख दिया है, आपको जिस कप में भी जमाना हो आप उसी में रख सकते हैं। यदि दोनों आपके एक कप में नहीं आ रहे हैं तो आप अलग अलग करके भी इनको रख सकते हैं। अब हमें आइसक्रीम स्टिक लगानी है, तो यहाँ पे मैंने आइसक्रीम स्टिक ली है, ये अब हम लगाएंगे। तो ये हमें दूध डालने से पहले ही लगानी है। इस तरह देखे दोनों पे मैंने स्टिक लगा दी है। अब इसके अंदर हमें दूध डालना है, तो दूध को उबाल के हमें ठंडा करना है। ठंडा दूध डालना है, गर्म दूध हमें नहीं डालना है, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। और यदि आप थोड़ा मीठा तेज खाते हैं तो दूध में हल्की सी आप शक्कर मिला सकते हैं। तो अब हम दूध डाल देंगे, ज्यादा हमें नहीं भरना है। दूसरे को भी हम इस तरह से डाल देंगे, बस बिस्किट के ऊपर तक ही हमें लाना है, ज्यादा हमें इसको नहीं भरना है। आप चाहे तो स्टिक की मदद से हल्का सा इस तरह आप हिला भी सकते हैं। तो दोनों को अच्छी तरह से हमने सेट कर दिया है, तो फ्रिज में अब इसको हम जमाने के लिए रख देंगे। 5 से 6 घंटे के लिए हमें इसको फ्रीजर में जमाने के लिए रखना है। आप चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। आइसक्रीम पर लगाने के लिए मैंने यहाँ पर ये चॉकलेट को मेल्ट करके इसको मैंने तैयार कर लिया है। मैंने इसको डार्क चॉकलेट को मेल्ट किया है, आप चाहे तो डेयरी मिल्क भी ले सकते हैं। डबल बॉयलर मेथड से मैंने जो है चॉकलेट को मेल्ट किया है। डार्क चॉकलेट और डेयरी मिल्क कैसे बनाते हैं इसका वीडियो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब हम आइसक्रीम को निकाल लेते हैं। तो आइसक्रीम हमारी अच्छी तरह से सेट हो गई है, तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं और कैंची से हम इसको कट करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छी आइसक्रीम हमारी बनी है, आप देख सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी आइसक्रीम हमारी बनकर तैयार हो गई है, ये खाने योग्य है। अभी आप इसको खा सकते हैं, लेकिन एक स्टेप हमें और करना है जिससे जो आइसक्रीम का टेस्ट और कई गुना बढ़ जाएगा। अब जो हमने ये सिरप बनाया था चॉकलेट को मेल्ट करके, इसको अब हम इसमें डीप कर देंगे ताकि अच्छे से कोटिंग आ जाएगी इस पे। ये देखिए इस तरह हमें इसको कोट करना है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह मैंने इसको अच्छे से कोट कर दिया है। इस तरह हमें दोनों आइसक्रीम को करना है। 10 मिनट के लिए हम इसको फ्रीजर में रख देते हैं ताकि अच्छी तरह से ये सेट हो जाए। वाह बहुत ही अच्छी आइसक्रीम हमारी बनकर तैयार हुई है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी आइसक्रीम हमारी जो है सेट हो गई है। इस तरह हम घर पे ही आइसक्रीम बना सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगती है, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।